हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में, और आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आप लोग बहुत कॉल मैसेजेस कर रहे थे कि कुछ लोग आज गए थे जो कि चंडीगढ़ बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट जो भी है वहाँ पर गए थे, और वहाँ पर जो भी पर्सन कह सकते हैं डायरेक्ट वे में भी जो भी डिपार्टमेंटल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के पर्सन थे उनसे बात भी हुई है वहाँ पर बच्चों की, और क्या डिटेल में बात हुई है वो सारी चीज़ें हम आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि किसी भी चीज़ को करने के लिए एक लीडरशिप क्वालिटी सबके अंदर होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, और हर एक इंडिविजुअल पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको भी एक कोशिश करनी चाहिए एक बार, क्योंकि कहीं ना कहीं बुरा तो लगता है यार कि कोई घर से मतलब घर बैठ के कोई न्यूज इन्फॉर्मेशन ले और कोई कुछ करके न्यूज इन्फॉर्मेशन ले, तो थोड़ा सा तो बुरा तो लगता है क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, ज़रूर बुरा लगेगा। शायद आप पे यही चीज़ सेम चीज़ अगर आप पे बीते तो वो आपके आपको भी वो चीज़ रियलाइज होगा। तो चलिए खैर छोड़ते हैं इन सब चीज़ों को। बाकी मैं इतना ही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कॉल वॉल मैसेज वैसेज मत करिए, जो चीज़ें हैं मैं आपको शेयर करता हूँ आपसे चीज़ें, और एक एक चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि क्या वहाँ पर बात हुई डिटेल में चीज़ों को। तो सबसे पहली चीज़ ये बता दूँ आपसे कि जैसा कि एनडीटी वालों की आज 16 तारीख थी, उनका भी जो डीवी था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, जो भी एब्सेंटीज थे और कुछ जो पुराने स्टूडेंट थे जिनके भी उसमें रिमार्क लिस्ट थी उनको बुलाया गया था, और सब बच्चे गए थे, मतलब सबके टीजीटी के छोड़ के, टीजीटी को छोड़ के पीजीटी, एनडीटी, जेबीटी और स्पेशल एजुकेटर के भी कुछ वहाँ पर बच्चे थे, और पीजीटी के भी बच्चे थे और जेबीटी के भी बच्चे थे वहाँ पर। तो उनकी जिनसे बात हुई, डिप्टी डायरेक्टर या जो भी कह लीजिए आप, जिनसे जिन सर से भी बात हुई, जिन भी सीनियर से बात हुई, तो एक चीज़ मैं आपको कंक्लूजन वे में, मैं आपको एक लाइन में बस बोलता हूँ कि जो डिपार्टमेंट का टारगेट है अचीव करने का, अचीव करने का मतलब ये है कि आपकी ज्वाइनिंग को लेके, आपकी ज्वाइनिंग को लेके आपकी ज्वाइनिंग को लेके जो टारगेट उनका है वो बोला गया है कि 15 नवंबर के पहले आपकी ज्वाइनिंग करा ली जाएगी या ज्वाइनिंग देना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करें तो मेन कंक्लूजन यही था। और एक चीज़ बता दूं आपको कि सभी ने रोजगार मेला के बारे में भी पूछा, तो वहाँ पे ये कहा गया कि इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या ये भर्ती कैंसिल हो जाएगी, तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भर्ती किसी भी हाल में कैंसिल नहीं होने वाली, क्योंकि कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है, स्ट्रॉन्ग ठोस कह सकते हैं ना कि ऐसा कोई रीज़न ही नहीं है कि जो इसको, इस भर्ती को कैंसिल की तरफ लेके जाए। और वही बात करें कि कोर्ट केसेस की वजह से क्या डिले हो रहा है आपका रिजल्ट जो भी है, तो ये भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कोर्ट केसेस की वजह से तो नहीं डिले हो रहा है। हाँ, कुछ मामले ऐसे होते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल मामले या मैटर्स होते हैं जो कि इशूज़ को रिजॉल्व करना होता है, इशूज़ को इसलिए रिजॉल्व करना होता है क्योंकि फ्यूचर, इन फ्यूचर आपको हायरिंग, आपको हायर कर लिया जाए उसके बाद कोई इशूज़ ना आए। तो हर डिपार्टमेंट एक सेफ गेम खेलना चाहता है, कह सकते हैं आप एक सेफ जोन में रहना चाहता है कि जो भी मामले अभी डिले हो रहे हैं, जो कुछ भी हो जाए उसको अभी से सॉल्व कर लिया जाए, उसकी क्लियरेंस हो जाए। डिपार्टमेंट भी यही चाह रहा है कि जो छोटे छोटे इशूज़ आ रहे हैं उसकी क्लियरेंस हमें हो जाए, ज्वाइनिंग्स देने से पहले उसको हम सॉल्व कर लें, उसके बाद हम आपको ज्वाइनिंग दें, ताकि इन फ्यूचर आपके, आपसे रिलेटेड या आपके रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई भी आपको इशू ना आए, पता चले आज मैंने जल्दी जल्दी में हायरिंग कर ली और आगे चल के फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत आ जाए। तो भाई हर डिपार्टमेंट चाहता है, उनके ऊपर सवाल होता है। एक चीज़ और ये भी बता दो कि हाँ, डिपार्टमेंट के ऊपर बिल्कुल प्रेशर है क्योंकि हर एक हायरार्की होता है, ठीक है, आप अगर मैनेजमेंट पढ़े होंगे तो हर चीज़ का हायरार्कियल स्ट्रक्चर होता है मैनेजमेंट का, तो अपने से ऊपर वाले को सबको जवाब देना होता है एक प्रॉपर स्टिपुलेटेड टाइम में, अगर कुछ करना है तो क्यों नहीं हुआ, क्यों हुआ, रीज़न क्या था, तो हर चीज़ का एक जवाब देना पड़ता है। तो हर डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है अपने फील्ड के लिए, तो इसीलिए प्रेशर तो है। और बाकी टारगेट जो इनका है 15 नवंबर तक बोला गया है कि हाँ, ज्वाइनिंग आपका स्टार्ट हो जाएगी। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि जो जिनका क्लियरेंस है, जैसे पीजीटी हो गया और टीजीटी, टीजीटी की लिस्ट के बारे में बात करूँ तो टीजीटी की लिस्ट एक आएगी ऐसा लग रहा है, और जिनका भी क्लियरेंस, क्लियरेंस का मतलब है कि उनके वैकेंसीज पर कोई भी आपत्ति, ऑब्जेक्शंस नहीं है, उनकी पहले ज्वाइनिंग होगी ऐसा कहा गया है, एक ये चीज़ बोला गया है वहाँ पे। और वहीं बताऊँ तो एनटीटी को लेके, तो एनटीटी का बच्चे ही नहीं मिल रहे हैं ज्वाइनिंग को लेके,
एंटिटी को बच्चे ही नहीं मिल रहे हैं ज्वाइनिंग को लेके, मतलब लिस्ट में कोई ऐसा बच्चा ही नहीं मिल रहा है कि आपके 100% जो है 100 वैकेंसीज क्या हैं फुलफिल हो जाएं। तो ये अब ये कर सकते हैं कि देखिए जिनका भी क्लियरेंस होगा, ठीक है, क्लियरेंस जिनका भी होगा, कहीं पे इश्यूज नहीं होंगी, इनकी पहले ज्वाइनिंग ये देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ज्वाइनिंग सबको एक साथ नहीं दे सकते, सबको एक साथ कहने का मतलब ये है कि आपको टीजीटी को भी बुला लें, पीजीटी को भी बुला लें, जीबीटी को भी बुला लें, तो जनरली ये स्टार्ट करेंगे जिसकी वैकेंसी पे कोई आपत्ति नहीं होगी, कोई ऑब्जेक्शंस नहीं होगा। तो ऐसे वैकेंसीज हैं जैसे एंटिटी हो गया, जेबीटी पे भी थोड़ी बहुत इश्यूज आ रही हैं, लेकिन प्रेफरेंस में जेबीटी है, ये मेरा मानना है ऐसा कि जो जेबीटी है वो प्रेफरेंस में है और इसकी रिजल्ट सबसे पहले आएगी। अब एक कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये भी बात आ रही होगी कि अगर ये कह रहे हैं 15 नवंबर के ज्वाइनिंग, मतलब 15 नवंबर के या नवंबर के फर्स्ट वीक तक ज्वाइनिंग देंगे, इनका टारगेट है, अगर कोई इशू नहीं हुआ तो। और सच बात है कि इनका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा फास्ट मोड में है इस समय, और इनका टारगेट है कि भाई 15 तक, मतलब फर्स्ट नवंबर वीक से ये ज्वाइनिंग देना स्टार्ट कर दें। अब इसमें ये मामला फंसता है कि अगर 15 नवंबर के पहले या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से ये ज्वाइनिंग या ऑफर लेटर जारी करना स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा मामला ये है कि इनको उसके पहले जो फाइनल लिस्ट होगी वो देना पड़ेगा। रोजगार मेला पे इसलिए थोड़ा सा डाउट हो रहा है क्योंकि अभी आपकी फाइनल लिस्ट किसी की भी नहीं आई है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको दूं कि ये इनका है कि ये लिस्ट पे लिस्ट जारी करते हैं, आपको भी पता है हर चीज के लिए लिस्ट जारी करते हैं, इतना कोशिश करता है डिपार्टमेंट कि आपको घर से बुला लें हम। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जैसे फाइनल लिस्ट मान लीजिए जेबीटी का एग्जांपल दो, जेबीटी की एलिजिबल और इन एलिजिबल अगर लिस्ट ये जारी कर देते या जारी कर देते हैं या जारी कर देते हैं, देखिए बस ये बस इस बात को समझिए, या जारी कर देते हैं इसको, तो थोड़ी सी पॉसिबिलिटी बनती थी कि हाँ, क्योंकि रोजगार मेला में एक शुरुआत नाम की कुछ स्टूडेंट को दिया जाता है मैसेज या मेल दिया जाता है। ऐसा भी मैंने देखा है कि मतलब जैसे 29 को रोजगार मिला है तो 28 को शाम को भी टेक्स्ट मैसेजेस लोगों के पास पहुंचे गए हैं, भेजा गया है, ठीक है। तो इसलिए हर डिपार्टमेंट भी कभी नहीं चाहता कि अपनी प्राइवेसी मेंटेन रखना चाहता है, हर डिपार्टमेंट और हर पर्सन अपनी प्राइवेसी मेंटेन रखना चाहता है भाई। फिर उस पोस्ट की गरिमा क्या, उस पोस्ट की वैल्यू क्या, अगर मैं आपको सारी चीज़ें अपनी बता दूं तो अगर डिपार्टमेंट भी 100% चीज़ें कोई नहीं बताता, 30-40% चीज़ें वहां पे सही बताई गई, बाकी चीज़ें वही होता है कि इधर उधर घुमा के आपको भेजना है वहां से। तो ये भी कहूँगा कि डिपार्टमेंट हर बात सही बोल रहा है मैं ये भी नहीं मानूंगा, और कोई ये भी कह रहा है कि ऐसा है तो वो भी थोड़ा सा मानना नहीं होता, क्योंकि जब तक खुद की आंखों से खुद के कानों से चीज़ें ना सुने तो उस पर भरोसा मुझे तो नहीं होता, बाकी और का नहीं पता। तो इसलिए बस इतना ही कहूँगा कि एंटिटी वालों का हो सकता है आपका फाइनल लिस्ट आए, जेबीटी का भी फाइनल लिस्ट आएगा एलिजिबल और इन एलिजिबल का, और जेबीटी प्रेफरेंस पे है ऐसा मुझे लगता है, पीजीटी है प्रेफरेंस पे, पीजीटी की एक लिस्ट आएगी, और ये ऐसा करेंगे कि जो आपकी ज्वाइनिंग है वो स्टार्ट कर देंगे, ज्वाइनिंग स्टार्ट कर देंगे, और उसी बीच जो जेबीटी स्पेशल एजुकेटर वाले हैं भाई उनको डीवी के लिए ये उनको बुलाते रहेंगे। इधर कंप्लीट हो जाएगा, इनकी ज्वाइनिंग भी होती रहेगी और इधर आपको डीवी के लिए बुला भी सकते हैं। तो ये होता है। और एक चीज़ आपको बता दूँ, जो कॉन्ट्रेक्चुअल को लेके हवा उड़ रही थी कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल की जो डेट एक्सटेंड हुई है क्योंकि आप लोग परमानेंट टीचर वहाँ पे नहीं है, और ये भी बात है, एक ये भी बात है कि वहाँ फिर भी टीचर की कमी है, वहाँ पर फिर भी टीचरों की कमी है, अगर आप लोग भी जाते हैं तो भी कॉन्ट्रेक्चुअल पढ़ा सकते हैं वहाँ पर आसानी से। तो कॉन्ट्रेक्चुअल से कोई लेना देना नहीं है, वो ये है कि आपको ज्वाइनिंग देते जाएंगे और उनका जैसे ही सेशन कंप्लीट होता है इनको आउट बाहर करते जाएंगे, ऐसा होता है, ठीक। और बाकी जो कुछ बची सीटें रहेंगी, अगर लगता है उन्हें कि कॉन्ट्रेक्चुअल का डेट एक्सटेंड करना चाहिए तो वो एक्सटेंड करते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग एक्सटेंड करते हैं। और बाकी इस भर्ती से कोई भी रिलेशन इसका नहीं है, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल का। अब एक्सटेंड करने का भी पूछा बच्चों की, क्या इनका एक्सटेंड करेंगे या नए सेशन में हमारी ज्वाइनिंग होगी, तो उसके लिए भी इन्होंने ना कहा। तो और कुछ बच्चे 4 तारीख को भी गए थे, आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, 4 तारीख को भी गए थे, उनसे भी यही कहा गया कि अक्टूबर लास्ट तक, उनसे तो ये बोला गया अक्टूबर लास्ट तक। तो कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर लास्ट तक कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ का मतलब ये है कि अगर ये 15 नवंबर को कह रहे हैं ज्वाइनिंग, तो इनको एलिजिबल इन एलिजिबल लिस्ट भी देना है, इनको ऑफर लेटर प्रमोशन लेटर मतलब ऑफर लेटर भी देना है आपकी, और ऑफर लेटर जब जारी किया जाता है तो उसके बीच में एक फिक्स टाइम देना होता है कि आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना है, कई सारे फॉर्म्स होते हैं जो आपको प्रिपेयर करने होते हैं, उसके लिए 10 दिन का टाइम चाहिए। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है, आप भी सोचिएगा तो आपको इसको जवाब मिलेगा, जरूर मिलेगा, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। तो इसीलिए
अगर ये 15 नवंबर का टारगेट बनाए हैं तो दिसंबर मतलब दिसंबर लास्ट कह रहा हूँ, अक्टूबर लास्ट तक मतलब दिवाली के आसपास तक इनको कुछ ना कुछ लिस्ट देनी ही पड़ेगी, वो चाहे फाइनल लिस्ट हो एलिजिबल या इन एलिजिबल की, जेबीटी की ही हो या एंटिटी की, किसी की हो, वो लिस्ट किसी की हो, इनको देनी पड़ेगी भाई। देंगे तभी तो उसके बाद ये ऑफर लेटर जारी करेंगे। ऑफर लेटर जारी करेंगे तो हफ्ते 10 दिन का उसमें भी टाइम लगेगा, लोग फॉर्म बनवा मतलब जो भी मेडिकल फिटनेस है, सर्टिफिकेट है, जो भी सारी चीज़ें हैं, अपनी प्रिपरेशन डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन करेंगे ये बच्चे, तब जाके ये कहीं ज्वाइनिंग कर पाएंगे। और कई लोगों की ज्वाइनिंग करानी है, ऐसा नहीं कि बस जेबीटी की ज्वाइनिंग करानी है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है ये सारी चीज़ें। मैंने बहुत ही आसान तरीके में, बहुत सिंपल तरीके चीज़ों में आपको समझाया, आई होप सो कि समझ में आ गया होगा। ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि इनका 15 ऑफ नवंबर के पहले इनका टारगेट है देने का ज्वाइनिंग या स्टार्ट करने का, ठीक है, या ज्वाइनिंग स्टार्ट करने का। तो इसके पहले अपने आप में एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार आ रही है कि ये फिर इस अक्टूबर लास्ट में आपको कुछ ना कुछ ये इनको देना पड़ेगा, एलिजिबल या इनएलिजिबल, जैसे जीबीटी का हो गया, इनको जारी कर देना चाहिए। बाकी यही बातें हुई थी, बाकी बातें तो बहुत बताई गई, लेकिन ठीक है, जो मुझे लगा जेन्युइन चीज़ें वो मैंने आपसे शेयर करी। बाकी जैसे आपने इतना सबर किया, रिजल्ट तो आना ही है, परेशान होने से कुछ नहीं होता। और अब समय नज़दीक है, बस इतना एक शब्द में कहूँगा कि समय नज़दीक है, आपको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिल जाएगी, क्योंकि बहुत प्रेशर है, डिपार्टमेंट के ऊपर भी प्रेशर है। और देखिए क्या होता है, क्योंकि डिपार्टमेंट भी 100% चीज़ें नहीं बताता और किसी को एग्जैक्ट सारी चीज़ें नहीं पता होती, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट, हर एक हायरार्की स्ट्रक्चर पे जो ऊपर का लेवल का बंदा होता है, कुछ चीज़ें उसको पता होती हैं, कुछ उसके नीचे वाले को पता होती हैं, तो शेयर जल्दी नहीं होती जब तक वो नहीं चाहते, और जब सबको पता चलता है नोटिस के माध्यम से ही पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें थी, चलिए इस वीडियो में यहीं तक। आई होप सो कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। मैंने जेबीटी की बात कर ली, एनटीटी की बात कर ली, टीजीटी की बात कर ली, पीजीटी की बात कर ली, और स्पेशल एजुकेटर की भी बात कर ली। तो धन्यवाद आपका। और एक चीज़ लास्ट में यही कहूँगा कि आप भी कोशिश करिए डिपार्टमेंट जाने की, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं अगर बच्चे जा रहे हैं तो उनके माइंड में आती है कि भाई बच्चे आ रहे हैं बार बार, और 10-15 लोग जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट तो बिल्कुल पड़ता है। वहाँ पे जाके पूछ सकते हो आप, ऐसा नहीं कि लड़ाई करने जाना है आपको, आपको वहाँ पे पूछने जाना है। और 1-2 लोग जाओगे तो वहाँ पे नहीं अलाउ करेंगे, 10-15 जाओगे तो आपको अलाउ कर दिया जाएगा। आप वहाँ पे क्वेश्चनिंग कर सकते हो, सारी चीज़ें पूछ सकते हो, आपको कोई मार के भगा नहीं देगा। तो सब एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बाकी अपनी तरफ से कोशिश करते रहिए। और आई होप सो कि इस दिवाली आपको जल्दी, मेरी ये विश है, मेरी ये मनोकामना है कि आप लोगों की नौकरी लग जाए, मतलब एक फाइनलाइजेशन हो जाए। नौकरी तो लगी गई है, फाइनलाइजेशन हो जाएगा तो आपका दिमाग जो है, एक नहीं होता कि लाइफ की जो स्ट्रगल वाला फेस है उससे आप थोड़ा सा उसमें डिक्रीज हो, चीज़ें कम हो जाएंगी। तो यही है, जय हिंद जय भारत।